बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां के कई इलाकों में इस वक्त एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के इंजन गरज रहे हैं। जान जोखिम में डालकर बर्फ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल्लू और मनाली में ऑपरेशन जारी है। ये वो ऑपरेशन है जिन्हें जान जोखिम में डालकर सेना ही अंजाम दे सकती है। हिमाचल के बर्फीले इलाकों में मौसम साफ होने के बाद वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। 12 लाचाला इलाके में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को बचाया जो 6 दिनों से पहाड़ों में फंसे थे। इतने दिनों से फंसे रहने की वजह से उनकी हालत ऐसी थी कि उनमें से कई तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वायुसेना के जाबाज जवानों ने उनका हौसला बढ़ाया और हेलीकॉप्टर में सवार कर उनका रेस्क्यू किया। कुल्लू मनाली की पहाड़ियों में बर्फबारी के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर सुबह के समय एक गांव पहुंचा जहां कई लोग फंसे हुए थे। हेलीकॉप्टर को देखकर घर के अंदर से लोग बाहर आए। इन्हें एक एक कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। चंबा जिले के होली इलाके में पिछले 5 दिनों से फंसे छात्र छात्राओं और स्टाफ का गुरुवार को रेस्क्यू किया गया। ये सारे लोग प्राथमिक स्कूलों के जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन मौसम खराब हो गया और ये लोग यहीं फंस गए थे। 416 छात्र छात्राओं और 321 स्टाफ सदस्यों को पहले पैदल और फिर गाड़ियों के जरिए जिला मुख्यालय पहुंचाया गया। वहीं होली में फंसे 52 स्कूली बच्चों को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स ने सुरक्षित पांगी पहुंचाया। पांगी के बच्चे भूस्खलन के चलते होली में फंसे हुए थे। हिमाचल प्रदेश में ही पादसियों की तस्वीर देखिए, यहां भी बर्फ में घिरे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।